अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट TV। मेरठ जागृति विहार में ज्वेलरी शोरूम को लूटने व पुत्र की हत्या के मामले में लापरवाही पाते हुए मेडिकल थाने के प्रभारी कुलवीर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी पर आरोप है कि घटना के बाद लगातार संपर्क करने के प्रयास के बाद भी उन्होंने फोन नहीं उठाए। इतना नहीं, राजनीतिक जातीय संरक्षण प्राप्त थाना प्रभारी ने अपने अफसर पुलिस क्षेत्राधिकारी का भी फोन नहीं उठाया। आज दिन भर घटनास्थल पर राजनीतिक लोगों का जमावड़ा लगा रहा। कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात भी बाधित किया गया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इन लोगों ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की भी मांग की। इस बीच सूत्रों का कहना है कि पुलिस बदमाशों के काफी करीब पहुंच चुकी है और जल्द ही इस लूट व हत्याकांड का खुलासा हो सकता है। मेरठ में एकाएक ही अपराधियों का बोलबाला हो गया है। बीते 24 घंटे में ज्वेलरी शोरूम लूट व दो हत्याओं के बाद जिले में सनसनी फैल गई है। बता दें कि बीते दिवस मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार स्थित भागमल ज्वेलर्स के शोरूम में 4 बदमाशों ने लूटपाट की थी। बदमाश अपने साथ 10 लाख रुपए नकद व 5 किलो चांदी ले गए थे। जाते समय सर्राफ के पुत्र अमन जैन ने उन्हें पकड़ने व पहचान लेने की बात कही तो बदमाशों ने गोली मारकर उसे मौत की नींद सुला दिया था। संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता की तरफ से आज दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि व्यापारी लॉकडाउन के दौरान उपजे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में हो रही लूट व हत्या से मेरठ का व्यापारियों में भय व दहशत व्याप्त है। ऐसे हालात में मेरठ में व्यापार करना दूभर है। ज्ञापन में मेडिकल थाना प्रभारी को निलंबित करने के साथ ही नौचंदी थाना प्रभारी आशुतोष को हटाने की मांग की गई। नौचंदी थाना प्रभारी इलाके में चल रहे हुक्का बार में भी जो हीला हवाली की उसे लेकर भी सवालों के दायरे में है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि अधिकांश अधिकारी व थाना प्रभारी अपना COG फोन नहीं उठाते हैं। इसी क्रम में मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी SSP से मुलाकात कर मामले के खुलासे की मांग की। महामंत्री विजय आनंद अग्रवाल ने बताया कि SSP अजय साहनी ने जल्द ही घटना के खुलासे का आश्वासन दिया है। उधर मौके पर तमाम लोगों ने पुलिस और प्रशासनिक अफसरों का घेराव किया। मेडिकल थाना पुलिस पर व्यापारियों का उत्पीड़न करने का आरोप भी लगाया। इस टाइम की स्थिति बताइए हमें कि हमारी कार्रवाई कहां तक हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। सड़क पर उतर जाएंगे अगर हमें ये सर हमें ये इनके साथ हमें ये कार्रवाई बताइए। माँ बाप के तट पे आप अपने दिल से भी पूछ सकते हैं कि इनके साथ इकलौता बेटा जिनके जाता है उसके माँ बाप का हाल होता है। रोटी बना के वो खा रहा था, वो खड़ी नहीं हो पाती उसकी माँ। इनका किसी तरह का मैं बता रहा हूँ, अगर होगा तो हम हैं यहाँ पे। एसडीएम साहब, मेडिकल थाने को मैडम आप स्पेशल सख्ती कर दो दरोगाओं को, या तो वो होश में आ जाएं वरना हम उन्हें दिक्कत करेंगे। हम उन्हें यहाँ पे धरने उनके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। हम सबके सामने कह रहे हैं आपको परेशान, ठीक है ना। जितेंद्र जी का दूसरा मामला है, एक लड़की का पति गायब है 4 महीने से और उन्हें कह रहे हैं कि ये तो तुम ही बच जाओगे इस मामले में। सारा प्रकरण पता है उन्हें, वो सोचते हो कि हमारे पास खबरें नहीं आती। और SDM साहब, मैं अमीनगर सराय का रहने वाला हूँ, आप अमीनगर सराय की रिपोर्ट निकलवाइए पुलिस के मामले में क्या है। आज तक अमीनगर सराय के किसी व्यापारी ने ये शिकायत नहीं करी कि साहब हमें ये पुलिस वाला परेशान करते हैं। मौके पर ADM सिटी अजय तिवारी ने फर्स्ट बाइट में मीडिया से बात की। ऐसी किसी भी स्थिति में पीड़ित फैमिली पहली चीज़ चाहती है कि जिसने भी किया है ये सब दंडित हों वो लोग, और ठीक से इस प्रकरण में दंडित होने की जो मतलब की जो प्रक्रिया थी वो स्टार्ट हो गई है। संबंधित थानाध्यक्ष को मतलब पाया गया था कि सुपरविजन बेहतर नहीं है उनका, तो सस्पेंड कर दिया गया है उनको। और SP सिटी साहब और मैं दोनों लोग साथ साथ बैठे हैं, कल रात भी बैठे रहे, इस समय भी बैठे हैं। लीड्स हमारे पास ठीक ठाक हैं, कॉन्फिडेंट हैं हम कि 2-3 दिन में क्रैक कर देंगे केस को हम। और दंडित जो भी मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए दंडित होगा वो। फैमिली फैमिली की मांग ये भी है, ऐसी स्थिति में जिसके भी घर बच्चा 20-22 साल का 25 साल का हो, फादर 60 से वो हो ऊपर हो, कि फैमिली में एक आर्थिक संकट आ जाता है। तो फैमिली ने रिक्वेस्ट किया है कि इसके लिए शासन से कहा जाए मैक्सिमम पॉसिबल जितनी भी हेल्प हो पाए। मैंने आश्वासन दिया है उनको कि हम अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परसू करेंगे इस मतलब इस चीज़ को, मैटर्स को, और रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारे मतलब कि जो MLA साहबान हैं और लोग हैं उनसे भी कि वो CM साहब के स्तर पर स्वयं भी इसको लें। सर, उम्मीद की जाए कि 1-2 दिन में सॉर्ट आउट हो सकता है।
देखिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं मेरे स्तर पर जो भी कुछ होना है, हमारे स्तर पर क्या है कि हम शीघ्रातिशीघ्र भेजें, बात करें वहाँ पे, और हम इस बात को कहें कि बच्चे की स्थिति, मतलब घर की स्थिति क्या है, ये कह देने पर, ये चीज़ वहाँ पर बता देने पर नॉर्मली ये रहता है कि प्रक्रिया तेज़ हो जाती है, आई एम कॉन्फिडेंट हो जाएगी तेज़। सर एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अभी आपने बोला कि MLA स्तर पर हम कहेंगे, इसमें राजनीतिकरण क्यों हो रहा है कि MLA स्तर पर आप कहेंगे, आप सीधे क्यों नहीं शासन को, नहीं नहीं पैरवी करते, आप मान करके चल रहे हैं कि MLA अलग होते हैं, प्रशासन अलग होता है, ये नहीं कि प्रशासनिक सुनवाई नहीं है, नहीं सिर्फ मैंने नहीं कहा MLA स्तर राजनीति, नहीं नहीं मैंने ये नहीं कहा आपको, मैंने ये कहा कि अगर मेरे दो हाथ हैं तो सारा काम एक हाथ से ही, मतलब एक हाथ से ही क्यों हो, एक हाथ से भी काम हो, दूसरे से भी हाथ से काम हो, कोई और चीज़ आपके पास है तो वो चूज भी हो, तो ये हमारे प्रशासनिक तंत्र के अस्त्र हैं सारे के सारे, एक हाथ तो मेरा हो गया DM साहब का हुआ, दूसरा हाथ वो भी है, हम ये चाह रहे हैं कि केस में सारे हाथ एक साथ लगे। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद अब्बास ने यह कहा, योगी राज में कल एक फिर सर्राफा व्यापारी को ठोक दिया गया, ठोका ठोकी की सरकार है, हर तरफ गुंडों का राज है, समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और इसके खिलाफ एक लंबा संघर्ष चलाएगी और हम समाजवादी पार्टी के लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। इस बीच सूत्रों का कहना है कि इस घटना में शामिल बदमाशों की लोकेशन L ब्लॉक शास्त्री नगर हापुड़ रोड तक पुलिस को मिली है, बेहद संभावना है कि बहुत ही जल्द इस घटना से पर्दा उठ जाए और बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ जाए। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।